चैनल स्टूडेंट्स एंड मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए इंडियन पीनल कोड का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने डील किया था चैप्टर नंबर 2 ऑफ द आईपीसी में, जहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशंस का जो चैप्टर है, जहाँ पे स्पेशल वर्ड्स स्पेशल मीनिंग्स ऑफ द कोड को डिफाइन किया गया है, हमने वो डील किया था। ये चैप्टर जब नंबर 2 जो है, इसमें सेक्शन 6 से लेके 52A तक है। तो अगर आपने हमारा लेक्चर 6 देखा हो, तो लेक्चर 6 में मैंने आपको सेक्शन नंबर 6 टू लेके 21 करा दिया था, एंड उसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करवाई थी कि गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिया क्या होता है, और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन, जज की डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही रेलेवेंट है स्टूडेंट्स, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक LLB स्टूडेंट हैं, तो आपके सेमिस्टर एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत रेलिवेंट रहने वाली हैं। तो अब जो हमारी बची हुई जजमेंट्स हैं चैप्टर 2 की जनरल एक्सप्लेनेशंस की, आज हम वो कवर करेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड। तो पहली डेफिनेशन जो आज की हम करने वाले हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहा गया है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप अपनी सेंसेस से फील कर सकते हो। अगर इन पोस्टिट्स की बात करें, तो इन पोस्टिट्स को मैं टच कर पा रही हूँ, इधर से उधर हिला पा रही हूँ, ये बन जाएगी एक मूवेबल प्रॉपर्टी। सिमिलरली लैंड एंड थिंग्स से, लैंड से जो भी चीज अटैच्ड है, कोई भी चीज अगर लैंड से अटैच्ड है, उसको मूव नहीं किया जा सकता, वो बन जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जब हम अपनी फील्ड्स में क्रॉप्स को देखते हैं, जो लैंड से अटैच्ड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट जब उन क्रॉप्स को आपने काट दिया, तो आप क्या हो गए, आप केपेबल हो कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सको। जैसे कि एक फार्मर के फील्ड से क्रॉप्स को काट के एक जगह से दूसरे जगह पे अगर आप लेके गए, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। बट जब तक वो लैंड से अटैच्ड है, जब तक वो अर्थ से अटैच्ड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम स्टोन्स की बात करते हैं, जो स्टोन्स सैंड के अंदर मिक्स्ड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अटैच्ड है अर्थ से। बट जब आपने उन सैंड से स्टोन्स को अलग कर दिया, और उन स्टोन्स को आप एक जगह से दूसरी जगह से उठा के लेके जा सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। एक केस है आर.के. दालमिया एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1962। इस केस में डिफाइन किया गया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 22 में, वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एंड उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, बट बेसिक फंडा समझाया गया कि कोई भी चीज जिसको आप अलग कर सकते हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप मूव कर सकते हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जिस चीज को आप अर्थ से अटैच्ड है, जिसको आप हिला नहीं सकते हो, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो टच की जा सकती है, आप उसको अपने सेंसेस से फील कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। जैसा कि वर्ड बता रहा है कि आपको गलत तरीके से गेन हुआ, या आपने गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो रॉन्गफुल गेन कहता है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो अनलॉफुल मीन्स से आपने क्या किया, आपने कुछ चीज का फायदा उठाया जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं थे, और जब आपने फायदा उठाया तो आपने किसी और को नुकसान पहुंचाया, तो लॉस हुआ अनलॉफुल मीन से, और जो बंदा था वो लीगली इंटाइटल्ड था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने बी की वॉच ले ली, तो अब क्या हुआ, ए ने जब बी की वॉच ले ली, तो ए को क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हुआ, क्योंकि ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस वॉच, और उसने ये वाली वॉच ले ली, तो उसको जो फायदा हो रहा है वो अनलॉफुल मीन से हो रहा है, और उसको रॉन्गफुल गेन हो रहा है। बट ये वॉच थी बी की, बी वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू कीप दिस वॉच, बट जब ए ने ये वॉच ले ली, तो उसका नुकसान हो गया, उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया, एंड ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ वॉच विच ही वॉज लीगली एंटाइटल्ड।
ओके तो आपको क्या समझना है, रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। जब अनलॉफुल मीन से आपको फायदा हो जाता है और आप किसी और को नुकसान पहुंचा देते हो, तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस का उसका मतलब है। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू बी गेनिंग रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन अक्वायर्स रॉन्गफुली। अब जब हम ए और बी की बात कर रहे थे और ए ने बी की जो है वॉच ले ली, तो उसने क्या किया, गेनिंग रॉन्गफुली हो गया, क्योंकि उसने रिटेन करी उसकी वॉच बाय अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, अक्वायर करी बाय अनलॉफुल मीन्स, और क्या हुआ, इसको हुआ, इसका हो गया अ पर्सन इज लूजिंग रॉन्गफुली। ई वॉज लीगली इंटाइटल्ड टू द वॉच बट उसको डिप्राइव करा गया, उसने क्या किया, उसने लूज रॉन्गफुली कर दिया। ही इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 24 की, जो बताता है डिसऑनेस्टली क्या होता है। डिसऑनेस्ट ऑनेस्टली क्या होता है, ऑनेस्टली होता है जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करते हैं विद गुड इंटेंशन करते हैं। डिसऑनेस्टली हो गया जब आप किसी को गलत इंटेंशन से करते हैं, विद एनिमस मैलिस करते हैं, विद गिल्टी इंटेंशन करते हैं, मेंसरिया है। तो बेसिकली आप कुछ भी चीज ऑनेस्टली नहीं कर रहे हो तो आप डिसऑनेस्टली कर रहे हो। तो बेसिकली आपका इंटेंशन था, इंटेंशन क्या था, कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो। तो जब आपने ए ने बी की वॉच ली थी, तो ए का क्या इंटेंशन था, कि उसको क्या हो, रॉन्गफुल गेन हो, और बी को क्या हो, रॉन्गफुल लॉस हो। बट इस सब में इंटेंशन कैसी थी, इंटेंशन वॉज डिसऑनेस्ट। ओके, इंटेंशन वॉज डिसऑनेस्ट। फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट का क्या मतलब है, जब आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, आप किसी को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो विद मैलिफाइड इंटेंशन। तो बेसिकली आपका मेंसरिया था टू डिफ्रॉड समवन, और अकॉर्डिंगली आपने एक्टस रियस करा, आपने एक्ट करा या फिर आपने ओमिशन करा, तो हो गया आपका फ्रॉडुलेंटली। सेक्शन 25 बात करता है फ्रॉडुलेंटली की। ये सारे वर्ड्स डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, कि मेंस रिया वाज प्रेजेंट। ओके, रीजन टू बिलीव, जब आप कोई भी एक चीज कर रहे हो जिसका आपको रीजन टू बिलीव है, तो सफिशियंट कॉज है आपको बिलीव करने का उस चीज को, तो आप क्या बोलोगे, रीजन टू बिलीव है। फोकस क्या होना चाहिए, सफिशियंट कॉज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपका मेन टेस्ट क्या है, सफिशियंसी ऑफ कॉज ही आपका मेन टेस्ट है, कि क्या देर वॉज अ रीजन टू बिलीव कि ये चीज होगी, इट वॉज सफिशियंट कॉज कि ये चीज होगी। इफेक्ट और कॉज का रिलेशनशिप बताता है ये। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जंगल में बुशेज हैं और ट्री है। अब जो मैन है वो गया वहां पे एक बर्ड को शूट करने, ठीक है, ये एक मैन है, ये जंगल में गया, ये जंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है, ठीक है, ये मैन जो है ये गया यहाँ से इसको शूट करने। ओके, जब ये गया तो इसका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इन बुशेस के पीछे एक और मैन बैठा हुआ है, इस बुशेस के पीछे एक और मैन बैठा हुआ है। तो नॉर्मल कोर्स में तो उसको पता नहीं हो सकता कि ये मैन बैठा हुआ है और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, बट जब वो अपना शूटिंग का एक्शन कर रहा है तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन में ये बर्ड थी, ठीक है। बट अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे वो शूज देख लेता है, यहाँ पे वो देख लेता है कि शूज पड़े हुए हैं, या फिर वो एक ब्रीफ केस देख लेता है, तो क्या हो गया, जब आपने शूज देख लिए, ब्रीफ केस देख लिया, या फिर उसने एक कोट देख लिया, तो एक सफिशियंट कॉज था, एक रीजन टू बिलीव था कि कोई और जो है वो आपके लाइन ऑफ एक्शन में है, कि यहाँ पे बर्ड की जगह इस बंदे को भी लग सकती है। तो देर वॉज अ सफिशियंट कॉज, देर वॉज अ नॉलेज दैट देर मे बी समवन इन द लाइन ऑफ एक्शन, बट अगर वो फिर भी शूट कर देता है
देन आप नॉलेज प्रिज्यूम करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब आपको याद होगा कि मैं आपको मेंसरिया पढ़ा रही थी, वहां पे मैंने आपको बताया था इंटेंशन क्या होती है, नेग्लिजेंस क्या होती है, रेकलेसनेस क्या होती है, नॉलेज क्या होती है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड होता है आपका इंटेंशन, उसके बाद होता है नॉलेज, और उसके बाद होता है आपका रीजन टू बिलीव। तो जैसे जैसे ये डिक्रीज करता जाता है, आपकी पनिशमेंट डिक्रीज करती जाती है। जिस केस में आपका इंटेंशन थी किसी का खून करने की, अगर इस केस में हम मान के चलें इसकी इंटेंशन थी इसको मारने की, तो ऑब्वियसली आपके पनिशमेंट हाई होगी, वो हम मर्डर में लेके जाएंगे। बट आपकी इंटेंशन नहीं थी, हम नॉलेज प्रिज्यूम कर रहे हैं या फिर रीजन टू बिलीव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैग था, तो ऑब्वियसली नॉलेज कम होगी। सो व्हाट यू हैव टू सी इज कि आपकी इंटेंशन थी, नॉलेज था या फिर रीजन टू बिलीव थी। और जैसे जैसे ये लेवल कम होता जाता है, वैसे वैसे आपकी जो पनिशमेंट है वो भी डिक्रीज करती जाती है। द पनिशमेंट डिक्रीज इज लाइक दिस। सो दिस इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, दिस इज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ माइंड एंड दिस इज द लोएस्ट डिग्री ऑफ माइंड। बट वॉट यू हैव टू सी इज दैट वॉज देयर अ सफिशियंट कॉज और नॉट। तो सफिशियंट कॉज जो है आपका, वो आपका मेन टेस्ट होता है रीजन टू बिलीव के लिए। ओके अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 27। जब प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट, जब प्रॉपर्टी पोजेशन में है वाइफ, क्लर्क या फिर सर्वेंट के, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन एंड हिज पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ हिज कोड। अगर उसकी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के पास है, उसके सर्वेंट के पास है या क्लर्क के पास है, तो माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी उसी के पास है। इसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है कि जब आप अपनी क्लास अटेंड करने गए हो कॉलेज, और घर पे आपका एक बैग पड़ा हुआ है या एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो वो आपके इमीडिएट पोजेशन में तो नहीं है, बट आपके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में उसको माना जाएगा। माना जाएगा कि उस चीज के ऊपर भी आपका पोजेशन है। ओके अब बात करते हैं 28 की। जब हम काउंटरफीट की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 463 जो फॉर्जरी को डिफाइन करता है, उसके साथ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो काउंटरफीटिंग का बहुत रोल होता है। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डज काउंटरफीटिंग मीन। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी चीज को रिजेंबल कर रहे हो एक चीज को दूसरी चीज से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कॉइन है, अगर इसका सिमिलर लुकिंग कॉइन मैंने बना लिया, सिमिलर लुकिंग कॉइन मैंने बना लिया, तो मैंने क्या किया, काउंटरफीट कर लिया, मैंने रिजेंबलेंस करी, सेम रिजेंबल कराया। क्या इंटेंशन थी, इंटेंशन थी कि मैं डिसीव कर पाऊं। रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस टू डिसेप्शन, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस। तो बेसिकली मेरी क्या इंटेंशन थी कि ये जो 10 रुपए का कॉइन है इसको मैं मैन्युफैक्चर कर लूं, सिमिलर कॉइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है उससे सिमिलर कॉइन मैं मैन्युफैक्चर कर लूं, और उसको मैं चला पाऊं एज माय करेंसी, कि लोग डिसीव हो पाए, लोग उसके झांसे में आ जाए। तो मेरी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी, और मैं जो कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंटर फीटिंग कर रही हूँ। सेक्शन 28 ये बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम 463 पढ़ेंगे, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा कि कितना ज्यादा रेलेवेंट है। तो अभी इसका मीनिंग समझ लीजिए, सो दैट वो वाले चैप्टर्स आपके बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब दिस विल बी रेड विद चैप्टर 18, जो कि पूरा एक स्पेसिफिक चैप्टर है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड है या फिर डिस्क्राइब्ड है बाय एनी सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस हो सकता है, लेटर्स से हो सकता है, फिगर्स से हो सकता है, मार्क्स से हो सकता है, या बाय एनी मोर बाय मोर वन बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। तो जैसे कि लेटर और फिगर्स हो सकता है, फिगर और मार्क्स हो सकता है, या फिर लेटर्स और मार्क्स हो सकता है, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो चीज यूज हो पाए एज एन एविडेंस। तो अगर कोई भी एक विल है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक विल है जिसमें मैटर एक्सप्रेस हो रहा है, जो टेस्टेटर है उसकी लास्ट विलिंग एक्सप्रेस हो रही है, कैसे हो रही है, लेटर्स के थ्रू हो रही है, तो वो होगी आपका एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, या फिर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है,
अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर इंटेंशन ऑफ पार्टीज आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं, और कैसे हो रही हैं, थ्रू लेटर्स ऑफ फिगर्स और मार्क्स, सो ऑल दीज विल बी अ डॉक्यूमेंट। ओके, सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछी जाती हैं आपके पीटी में भी, मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बहुत रेलिवेंट सेक्शन है ये वाला, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि ए राइटिंग एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर एक चेक की बात करें वो एक डॉक्यूमेंट है, अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करें तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, एक मैप या फिर प्लान जो कि यूज किया जाएगा एज एन एविडेंस वो भी एक डॉक्यूमेंट है, एक राइटिंग जिसमें डायरेक्शंस कंटेंड है या फिर इंस्ट्रक्शंस है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो दीज आर ऑल फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं सेक्शन 29 की, तो 29A है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वही मतलब है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया गया है, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ई फॉर्म में है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये भी बहुत रेलिवेंट रहती है डेफिनेशन, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछी गई है हमारे एग्जाम्स में। अब बात करते हैं एक वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या होती है। सेक्शन 30 बात करता है एक वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या होती है। तो वैल्यूबल सिक्योरिटी होती है कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो एक डॉक्यूमेंट बन सकता है और एक लीगल राइट क्रिएट करता है। एक लीगल राइट क्रिएट करता है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करता है, रिलीज करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफर करता है, या फिर एक्सटिंग्विश करता है, या फिर अक्नॉलेज करता है लाइबिलिटी को। जैसे कि एक प्रॉमिसरी नोट, एक प्रॉमिसरी नोट एक आपका वैल्यूबल सिक्योरिटी है। वो क्या बता रहा है कि कल को इस दिन पे जाके इतना पैसा दिया जाएगा, तो वो एक वैल्यूबल सिक्योरिटी है, वो एक लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है या फिर एक्सटेंड कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, अक्नॉलेज कर रहा है एक लीगल लाइबिलिटी को, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक वैल्यूबल सिक्योरिटी बन जाएगी। तो बेसिकली कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो कि कोई भी लीगल राइट को क्रिएट कर रहा है, लीगल राइट, ओके, वैल्यूबल सिक्योरिटी। अब एक विल को देखते हैं। अ विल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 31। वो क्या होता है, एक टेस्टमेंटरी डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो लोग बनाते हैं यूजुअली अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग देयर चिल्ड्रन एंड रिलेटिव। विल मेनली रिटन होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हेड ऑफ द फैमिली बनाता है। क्यों बनाता है, कि वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, अपने असेट्स को और अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपनी नई जनरेशन को देगा, और ये बोलेगा कि कल को जब मैं नहीं हूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक विल होती है जो कि एक लास्ट डॉक्यूमेंट होता है जो इंटेंशन बताती है जो डिसीज्ड है उसकी। ओके, अब देखते हैं 32 क्या है। 32 कहता है एक्ट इज इक्वल टू इलीगल ओमिशन, तो एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। तो स्टूडेंट्स क्या समझने की बात है, जैसे कि ए ने शूट किया बी को, ए ने शूट किया बी को, दिस इज एन एक्ट। ए ने डिप्राइव किया ऑफ फूड टू बी व्हिच ही वाज लीगली बाउंड टू गिव, तो ये क्या बन जाएगा, इलीगल ओमिशन, ये बन जाएगा इलीगल ओमिशन। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसा एक्ट जो आप लीगली बाउंड थे करने के लिए बट आप नहीं करते हो, तो वो बन जाता है आपका इलीगल ओमिशन। ठीक है, 33 बात करता है कि एक्ट और ओमिशन में एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, सिंगल एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है, सिंगल ओमिशन भी हो सकता है। अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए ने शूट किया बी को, तो ये हो गया एक सिंगल एक्ट। अब आप एग्जाम्पल लेके चलो सीरीज ऑफ एक्ट का, तो ए ने क्या किया, ए ने पहले शूट किया बी को, नहीं लगी उसको गोली, उसने क्या किया, उठाया और उसको किक किया, किक बी, फिर उसको क्या किया, स्टैब कर दिया बी को टू डेथ। दीज आर सीरीज ऑफ एक्ट। सिमिलरली यहाँ पे एक वार्डन जो है या फिर एक जो जेलर है वो लीगली बाउंड था अपने प्रिजनर्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को टू प्रोवाइड फूड, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिप्राइव कर दिया इन बच्चों को खाने से या फिर इन प्रिजनर्स को फॉर 10 days। तो एवरी सिंगल डे ओमिशन हो रहा है, तो दीज आर सीरीज ऑफ ओमिशंस।
स्टूडेंट 32, 33 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक्ट इज इक्वल टू ओमिशन, और एक एक्ट का मतलब एक सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, सिंगल एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन का मतलब सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है, सिंगल ओमिशन भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए अभी, क्योंकि जब बड़े ऑफेंसेस आएंगे तो ये बहुत रेलिवेंट रहने वाला है। 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन की, और बात करता है कोई भी ऐसा एक्ट जो किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो एक बंदा एक्ट करेगा और दूसरे क्या करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ एक्शन करेंगे। तो सेक्शन 34, स्टूडेंट 34 से लेके 38 मैं एक अपने अलग लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप इट हेयर। सो इनका एक अलग सेपरेट लेक्चर आएगा हमारा, तो डू नॉट वरी, वहां पे मैं इसको और डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ आपको। अभी के लिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 39 क्या कहता है। 39 कहता है जब आप कोई भी एक्ट करते हो वॉलंटैरिली, वॉलंटैरिली जब आप कर रहे हो तो कॉज कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, और ये रिलेट करता है एक्टस रियस को। आपका इंटेंशन था उस इफेक्ट को कॉज करने का, आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपको एग्जामिनेशन करना है कि कंडक्ट क्या था, कंडक्ट ऑफ द अक्यूज क्या था व्हेन ही वाज डूइंग द ऑफेंस। तो तीन तरीके से आप कह सकते हो कि एक्ट को वॉलंटैरिली किया जा रहा है, वो तीन तरीके हैं। या तो आपका इंटेंशन था उसको कॉज करने का, अगर आपको इंटेंशन था किसी की डेथ कॉज करने का और उसके लिए आपने उसको शूट किया, तो आपने क्या किया, वॉलंटैरिली यू शॉट दैट पर्सन, सो यू हैड द इंटेंशन टू कॉज दैट डिजायर। या फिर आपको नॉलेज थी कि आपके ऐसे एक्ट से उसकी डेथ हो जाएगी, दैट इट इज लाइकली टू कॉज, तो नॉलेज थी। या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि आपके ऐसे एक्ट से ऐसी चीज हो जाएगी। तो इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव जब हम बात करते हैं तो दीज आर ऑल डिग्री ऑफ माइंड, तो ईदर ऑफ देम इफ प्रूव तो आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है। सेक्शन 39 बात करता है वॉलेंटरी की। अब बात करते हैं कि जब एक एग्जाम्पल लेके चलें, आपने फर्स्ट फ्लोर से किसी को नीचे फेंक दिया, तो आपकी क्या थी, डिजायर थी कि उसको हर्ट हो या ग्रीवियस हर्ट हो। अब जब फर्स्ट फ्लोर से आपने किसी को नीचे फेंक दिया और आपको पता था कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो इंटेंशन थी उसको मारने की, डिजायर थी टू किल हिम। तो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द कॉन्सिक्वेंस एंड द मेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो आपका कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्ट लिंक है। आपको जब पता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, तो वो बंदा मर जाएगा, तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंस जो होगा उसका, आपका उसके मेंटल एलिमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपका मेंजरिया आपका बता रहा है कि क्या आप कॉज करना चाहते हो और उसका क्या इफेक्ट हो। तो बेसिकली जब आप इंटेंशन प्रूव करना चाहते हो For even for litigation, this is very important. जब आप किसी भी offence में intention prove करना चाहते हो, तो आपको क्या prove करना पड़ेगा कि वो extra assurance थी कि accused का क्या होगा, accused का जो direct consequence है वो होगा। जैसे कि इस example में जब आप चाहते थे, आप extra assurance चाहते थे कि उसकी death cause हो, तो आपने उसको तभी फेंका जब सामने से truck आ रहा है, या फिर आपने उसको railway track पे फेंक दिया जब आपको पता है कि 2 मिनट के अंदर ट्रेन आने वाली है। तो आपकी क्या इंटेंशन थी, आपका क्या डिजायर था कि आप उसकी डेथ कॉज करना चाहते हो, तो आपने वो एक्स्ट्रा अश्योरेंस लिया, आपने एक्स्ट्रा अश्योरेंस लिया कि जो बेसिकली आप इफेक्ट चाहते हो वो कॉज होगा। ओके, तो 39 बात करता है वॉलंटैरिली की। अब मोटिव और इंटेंशन के बीच में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो मोटिव क्या होता है कि क्यों किया ऐसा एक्ट, व्हाई डिड ही डू दैट एक्ट। ए ने बी को मारा तो क्यों मारा, रिवेंज के कारण हो सकता है, उनकी फाइट चल रही थी, प्रॉपर्टी अक्वायर करनी थी, या फिर ग्रीड था कुछ, या फिर कोई एंगर था, कोई भी रीजन हो सकता है। इंटेंशन क्या कहता है, हाउ डिड ही डू दैट एक्ट। ए ने बी को मारा, डिड ए हैव द इंटेंशन टू किल, हाउ विल यू एग्जामिन, यू विल एग्जामिन इट थ्रू द कंडक्ट। इंटेंशन थी, नॉलेज थी, क्या था वो आप कैसे एग्जामिन करोगे, आप कंडक्ट के थ्रू एग्जामिन करोगे। ओके, तो मोटिव और इंटेंशन के बीच में ये डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं नॉलेज और इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो नॉलेज थोड़ा सा कम डिग्री ऑफ माइंड है और इंटेंशन है हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड। एवरी पर्सन विल बी नोइंग दैट द लाइकली रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट, हर एक इंसान को पता होता है कि उसके एक्ट का क्या रिजल्ट होगा। अगर मैं इस पेन को यहाँ से फेंक देती हूँ तो मुझे पता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा, हल्का सा टूटेगा, निप टूट जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं इस पेन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ तो मैं अपनी टेरेस से इसको फेंक दूंगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो बेसिकली जब आप एक्स्ट्रा अश्योरेंस करते हो, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ एक्ट करते हो, क्योंकि आप इंटेंट कर रहे हो कोई भी एक क्राइम कॉज करने का, तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा अश्योरेंस आप कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, इंटेंशन है. बट हर एक पर्सन इज लाइकली टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, द रिजल्ट ऑफ द एक्ट. नॉलेज को प्रिज्यूम किया जा सकता है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, पर आप इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो. इंटेंशन कैन नॉट बी प्रिज्यूम, बट नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन ऑफेंस क्या होता है. सेक्शन 40 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 40 बात करता है कि ऑफेंस क्या होता है, अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड. तो आईपीसी में जिस चीज को भी आप पनिश कर रहे हो वो ऑफेंस होता है. वो किसके कारण हो सकता है, वो एक्ट के कारण हो सकता है, ओमिशन के कारण हो सकता है. ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर दिस कोड. दिस कोड हो गया आपका आईपीसी, या फिर किसी स्पेशल लॉ के अंदर, या फिर किसी लोकल लॉ के अंदर. कोई भी ऐसी चीज है जो कि पनिशेबल है आईपीसी में, किसी स्पेशल लॉ में, या फिर लोकल लॉ में, और वो कैसे हो रही है, वो एक्ट से हो रही है या फिर ओमिशन से हो रही है, तो वो बन जाता है आपका ऑफेंस. सेक्शन 41 बताता है कि एक स्पेशल लॉ क्या होता है. स्पेशल लॉ होता है जो कि एप्लीकेबल है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे कि एनडीपीएस. एनडीपीएस इज अ स्पेशल लॉ जो कि नारकोटिक ड्रग्स पे एप्लीकेबल है. लोकल लॉ क्या होता है, लोकल लॉ होता है जो एप्लीकेबल है किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे जो एप्लीकेबल है. जैसे जब आप आरजेएस का पेपर देते हो, राजस्थान जुडिशरी का पेपर देते हो, यूपी पीसीएसजे देते हो, पीसीएसजे का एग्जाम देते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोकल लॉज दिए गए हैं, बहुत सारे म्यूनिसिपल लॉज दिए गए हैं जो वहां की स्टेट के लिए रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे. ओके, अब बात करते हैं इलीगल क्या होता है. सेक्शन 43 बताता है कि इलीगल क्या होता है. इसकी दो पार्ट्स है, तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है. फर्स्ट पार्ट कहता है कोई भी ऐसा एक्ट जो या तो ऑफेंस है, ऑफेंस हमने अभी कहाँ किया, सेक्शन 40 में किया, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या कर रहा है, विच इज गिविंग राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन, विच इज गिविंग राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन सिविल रॉन्ग के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे हो गया, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ या फिर बाय एनी अदर लॉ. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एनडीपीएस. तो ये एक्ट क्या होगा, ये आपका एक्ट होगा इलीगल. तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसा एक्ट है या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन है जो क्या बना रहा है, एक ऑफेंस बना रहा है, या फिर वो एक कॉज ऑफ एक्शन को राइज दे रहा है, वो एक कॉज ऑफ एक्शन को बर्थ दे रहा है, या फिर वो एक ऐसा एक्ट है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो वो बन जाएगा इलीगल एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन. सेकेंड पार्ट ये कहता है कोई भी ऐसा एक्ट जो आप लीगली बाउंड टू डू, वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट. तो बेसिकली कोई भी ऐसा एक्ट जो कि वो लीगली बाउंड था, वो पर्सन वॉज लीगली बाउंड टू डू, और उसके लिए इलीगल है इस एक्ट को ओमिट करने के लिए. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे जेलर का, जिसने खाना नहीं प्रोवाइड किया अपने प्रिजनर्स को, या फिर वार्डन का, जिसने खाना नहीं प्रोवाइड किया अपने स्टूडेंट्स को, तो ही वॉज लीगली बाउंड टू डू, जो कि उसने इलीगली ओमिट कर दिया करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो ऑफेंस बन जाएगा, या फिर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, या फिर वो क्या कर रहा है, वो एक कॉज ऑफ एक्शन को, कॉज ऑफ एक्शन को बर्थ दे रहा है, तो वो क्या बनेगा, वो एक्ट या ओमिशन होगा इलीगल, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 43 में. 44 बात करता है इंजरी की. इंजरी क्या क्या होता है, एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन. अब हार्म की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, हार्म चार तरीके का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. हार्म कॉज हो सकता है आपकी बॉडी को, जब कोई चोट लग गई तो आपकी बॉडी को हार्म हो गया. माइंड को, जब आप मेंटली अनवेल हो, आपको साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट है. रेप्यूटेशन को हार्म हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है. और कैसे कॉज हो रहा है, इलीगली कॉज हो रहा है. इलीगली हमने अभी 43 में पढ़ा, और कॉज कैसे हुआ है ये क्या डिफाइन करता है, कंडक्ट को डिफाइन करता है, किस तरीके से हुआ, किस एक्शन से हुआ, या फिर किस ओमिशन से हुआ, वो क्या डिफाइन करता है, कंडक्ट को डिफाइन करता है. कंडक्ट कैन बी इलीगल एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन. तो उससे आपका क्या हो रहा है, इंजरी कॉज हो रही है टू योर माइंड, टू योर बॉडी, टू योर रेपुटेशन, या फिर टू योर प्रॉपर्टी. ओके, 45 बात करता है लाइफ. लाइफ किसकी हो रही है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात कर रहे हैं. 46 बात करता है डेथ.
डेथ बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की डेथ की। तो जब अब लाइफ और डेथ की बात हो रही है आईपीसी में, इस कोड में, तो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 47 बात करता है एनिमल। एनिमल होता है कोई भी एक लिविंग क्रिएचर जो कि अदर देन अ ह्यूमन बीइंग होगा, तो वो एक लिविंग क्रिएचर होना चाहिए, वो एनिमल होता है। वेसल होता है 48 में, जो बताता है एनीथिंग मेड फॉर कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। तो कोई भी जब प्रॉपर कोई भी ऐसा वेसल है जो कन्वेंस के लिए यूज हो रहा है फॉर वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर प्रॉपर्टी, तो वो बन जाता है आपका वेसल। 49 बताता है कि ईयर और मंथ क्या होता है। तो इन्होंने ईयर और मंथ को ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। सेक्शन 50 बताता है कि सेक्शन क्या होता है। तो सेक्शन होता है जो डिस्टिंग्विश्ड किया गया है बाय प्रीफिक्स न्यूमरल फिगर्स, जैसे कि 40 सेक्शन, जैसे कि 39 सेक्शन, ये होता है आपका सेक्शन 50 बताता है। अब देखना है ओथ क्या होती है स्टूडेंट्स। तो ओथ की जब हम बात करते हैं तो ओथ होती है एक सोलमन अफर्मेशन जो कि सब्स्टिट्यूट की गई है बाय लॉ फॉर एन ओथ। जैसे कि आप अगर रिटर्न में एक एफिडेविट पे कोई चीज दे रहे हो, अगर आप एक एफिडेविट पे कोई चीज दे रहे हो तो प्रिज्यूम किया जाता है कि आप वो चीज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑन ओथ, या फिर कोई भी एक डेक्लेरेशन दे रहे हो बाय व्हिच इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर पब्लिक सर्वेंट कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद करो, रेडविथ सेक्शन 21। यस, पब्लिक सर्वेंट हमने 21 में करा था, लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो कोई भी एक डिक्लेरेशन जो कि रिक्वायर्ड है और ऑथराइज है बाय लॉ, या आप बना रहे हो, किसके सामने बना रहे हो, पब्लिक सर्वेंट के सामने बना रहे हो, और वो क्या है, वो एक पर्पस ऑफ प्रूफ है, वो एक पर्पस ऑफ प्रूफ है वेदर इन द कोर्ट और नॉट। तो जैसे कि ओथ होती है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ और सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सारी पुरानी पिक्चर्स में जब कोर्ट का सीन दिखाते थे और कोई भी अपनी गवाही देने आता था तो वो शपथ लेता था, वो ओथ लेता था। तो ओथ क्या होती है, एक सोलमन अफर्मेशन हो रही है, एक डेक्लरेशन हो रही है जो कि रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि आप एक पब्लिक सर्वेंट के सामने बना रहे हो उस ओथ को, और क्या कर रहे हो, वो कोर्ट में हो सकती है, कोर्ट में नहीं भी हो सकती, आजकल वो एक रिटन फॉर्म में भी होती है, एफिडेविट के फॉर्म में भी होती है, कि जो भी आप बोल रहे हो आप सच बोल रहे हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हो, और आप अपना सच कोर्ट के सामने बोलोगे या फिर पब्लिक सर्वेंट के सामने बोलोगे, एंड दैट स्टेटमेंट विल बी यूज्ड एज अ प्रूफ, दैट स्टेटमेंट विल बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ओके, तो 51 बताता है कि ओथ क्या होती है। 52 बताता है कि गुड फेथ क्या है। अब आपने सुना होगा कि मैं ये एक्ट गुड फेथ में कर रहा हूं, मैं ये एक्ट गुड फेथ में कर रहा हूँ का क्या मतलब है, मैं ये एक्ट कर रहा हूँ विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब प्रॉपरली कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, और रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन जिस तरीके से करता है उस तरीके से कर रहा हूँ। गुड फेथ वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है ड्राफ्टिंग में भी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो गुड फेथ का क्या मतलब है, जब आप कोई भी एक्ट को कर रहे हो विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। इसेंशियल्स क्या है, इसके लॉजिक होना चाहिए, अच्छा रीजन होना चाहिए, आपकी गुड इंटेंशन होनी चाहिए, आपने ड्यू या रीजनेबल केयर से कोई भी चीज करी, या फिर आपने अपने स्किल या एक्सपर्टीज से करी, और प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस में कैपेसिटी और इंटेलेक्ट के हिसाब से वो ही बेस्ट चीज थी उसके लिए करना, तो क्या हो रहा है, वो एक्ट गुड फेथ में हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं 52A। 52A जो कि हमारी लास्ट डेफिनेशन है इस वाले चैप्टर में, वो कहती है हार्बर क्या होता है। हार्बर का मतलब है आप इवेड कर रहे हो किसी का अप्रिहेंशन। हार्बर का मतलब है आप किसी को सप्लाई कर रहे हो विद शेल्टर, फूड, या फिर उसको असिस्ट कर रहे हो, उसको ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, क्लोथ्स दे रहे हो, आर्म्स एंड अम्यूनिशन दे रहे हो, कन्वेंस दे रहे हो, ये सब कुछ आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, और इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होती है इन सेक्शन 157 एंड इन सेक्शन 130, जहाँ पे हार्बर किया जाता है, हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर्ड। तो बेसिकली हार्बर का मतलब है आप उसका इवेड करा रहे हो, उसका अप्रिहेंशन, और आप उसको इन सब चीजों से सप्लाई कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, एंड इसमें हमने डील करी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो कि आज इस पार्ट 2 में मैंने
आपको कराई है सेक्शन नंबर 22 से 52 ए तक। इसमें हमने पढ़ा मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने पढ़ा गुड फेथ क्या होता है, हार्बर क्या होता है, हमने पढ़ा इलीगल, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, ऑफेंस क्या होता है, वॉलंटरिली क्या होता है, ईयर और मंथ क्या है, एनिमल कौन है, और क्या पढ़ा, लाइफ और डेथ पढ़ा। ये सब कुछ पढ़ा, मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ पढ़ा, और ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलीगल पढ़ा, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो जो आने वाले आगे के चैप्टर्स हैं, आने के लेक्चर्स हैं, उसमें जब हम बड़े बड़े मोटे मोटे ऑफेंसेस करने वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप ये सब कुछ पढ़ के अभी से ही समझ लें। तो प्लीज इन दोनों लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर 6 और 7 को साथ में देखें, एंड इनका जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको सेक्शन नंबर 6 to 52 A कराया है उसको अच्छे से समझ लें। डू नॉट वरी, मेरे को पता है 34 से 38 तक के सेक्शंस हम आगे वाले लेक्चर्स में आपको कराएंगे, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो पार्ट कराया गया है इसलिए कराया गया है कि आपको आने वाले सेक्शंस बहुत अच्छे से समझ आए। तो प्लीज जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ, और ये सारा कंटेंट आप हमारी पीडब्ल्यू की ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। पीडब्ल्यू की ऐप पे जब आप जाएंगे वहाँ पे लॉ सिलेक्ट करें, वहाँ पे फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, फाउंडेशन बैच में आपको आईपीसी के अंदर ये सब कुछ मिलेगा, आपको इसके क्लास नोट्स भी मिलेंगे वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जो क्विज के फॉर्म में है, जहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ एंड देखते रहिए अच्छा कंटेंट, एंड मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में कराने वाली हूँ पनिशमेंट्स का चैप्टर जो कि चैप्टर 3 है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आईपीसी में कितनी टाइप्स की पनिशमेंट है, क्या क्या पनिशमेंट प्रोवाइड किए जा सकती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसको कहते हैं, क्या लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, अगर आपके ऊपर फाइन लगा है और आप फाइन नहीं पे करते हो तो क्या आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ एंड देखिए नेक्स्ट आने वाला लेक्चर। तो थैंक यू फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।